तो यदि के सिंह मार रहे हैं तो इसके लिए तभी इंक्वायरी की जरूरत नहीं, लेकिन यदि आपने इंक्वायरी बैठा दी तो हम चाहेंगे कि एडीएम अविलंब सस्पेंड हो। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जिस बच्चे की पिटाई हुई थी, जब सामने में वीडियो वायरल है और उन्होंने लगातार बेरहमी से बच्चों की पिटाई की, वह बच्चा पर पूरा घर डिपेंडेबल था और बच्चे की हालात नाजुक हैं, अच्छी स्थिति नहीं है। हम वहाँ गए थे, हमने उस कहा है कि जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी सब हमारी पार्टी और हम करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब सामने में मुद्दे और मुद्दाले है, पीट रहे हैं, सामने में वीडियो वायरल है कि बलात्कार कौन कर रहा है, तो उसके लिए चार्जशीट आप गवाह की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए सीधा वीडियो है और उस पर आप फांसी दीजिए। तो यदि के सिंह मार रहे हैं तो इसके लिए तभी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यदि आपने इंक्वायरी बैठा दी तो आपने 48 घंटा कहा, आज 80-85 घंटे से ज़्यादा होने चला जी, 120 घंटा होने चला, तो 120 घंटे के बाद भी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि देश में और बिहार में यह मैसेज जाना चाहिए, मेरी सरकार, मेरी जो सरकार है उसके की वो काम करने वाली सरकार है। आप सरकार बदले हैं तो अकाउंटेबल होगी और कंप्लीट रूप से लोगों के बीच विश्वास पैदा करिए, ये विश्वास पैदा करने वाली चीज़ नहीं। तो हम चाहेंगे कि एडीएम अविलंब सस्पेंड हो और हर कीमत पर अब देर ना की जाए। सर मैं मुझसे पूछिएगा, यदि हम होते तो अभी तक उसी स्पॉट पर उसको सस्पेंड करते, जांच बाद में, हम दिख रहा है मारते हुए इसलिए हमको जांच नहीं करते। वो उनके काम करने के तरीके हैं, उन्होंने कहा था तो उनको इस पर अमल करना चाहिए, सरकार को अमल करनी चाहिए, यह मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, क्योंकि विश्वास टूट, लड़कों के बीच में यह विश्वास संदेश गलत गया, टूटा है, इसलिए इमीडिएट इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी तक आम आदमी को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं किए, जो जो इसमें लिप्त है, तो मैं चाहूँगा विजय सिन्हा जी को हिम्मत है तो जो विभाग आपके पास है उसकी पूरी जांच कहिए करने की, और खुद जाइए कोर्ट, कहिए मेरे जितने मंत्रिमंडल थे जांच हो। यदि आप बिहार में संदेश देना चाहते हैं तो विजय सिन्हा जी आप अपने विभाग, अपने मंत्रिमंडल का जांच करवाइए कि सब लोग घोटाले में संलिप्त थे कि नहीं।